बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि 4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, बेबी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और आपको पता है कि बच्चे जब बीमार हो जाए ना, वो तो मदर्स को कुछ भी नहीं करने देते, और बस इसी टाइम ऐसे ही सारा टाइम स्पेंड हो जाता था। और आज कुछ टाइम था, सुबह फर्स्ट टाइम वो हमने वॉशिंग मशीन लगाई, मैंने कपड़े भी धोए। उसके बाद सेकेंड टाइम है, अब बच्चे अकेडमी पढ़ने के लिए आ गए हैं और हम उनको पढ़ा लें थोड़ी देर। उसके बाद असर की नमाज का टाइम हो गया है, फिर अफ्तारी की तैयारी के लिए जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आइए बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा के फिर असर की नमाज अदा करेंगे। जी उम्मीला, आप भी इधर बैठी हुई हो, क्या कर रही हो? बच्चों को पढ़ा रही हो? अच्छा जी, चलिए सही है, पढ़ाएं इनको। और आपको ये बुक आती है? वो वाली आती है। अच्छा, ये कौन सी बना? उर्दू। ओके, उर्दू की बुक है, ठीक हो गया। हाँ जी, पढ़ाएं इनको। मायरा आप पढ़ रही हो? रबिया आप भी लेसन याद कर रहे हो? जी। ओके, करें आप याद, में आपका लेसन सुनती हूँ बाद में, ठीक है? चले शाबाश। हाँ जी, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम और उमेला बैठी हुई थी, वो हमारी बेटी है, उमेला है वो भी बैठी है। वो बच्चों फाइनल एग्जाम उसके हो गए हैं, और फ्री हुई थी, और फ्री कह रही मम्मा मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा चले आप पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाना भी आता है कि नहीं? कहती हूँ मम्मा मुझे आता है, मैं पढ़ा लेती हूँ। मैंने कहा चले आप बैठें बच्चों के साथ और इनको ज़रा खामोश भी करवाएँ, फिर हम हमारे साथ रहिएगा, ठीक है जी। असर की नमाज अदा करने के बाद हम नीचे किचन में जा रहे हैं, और हमारे साथ रहिएगा, हम इफ्तारी की तैयारी करते हैं, और रोज़ा भी लग रहा है, जल्दी जल्दी आ जाइए। जी गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं ये। बस ये बस तैयार हो रहे हैं, इसके बाद हम कुछ पोटैटोज हैं उनको फ्राई करेंगे, आलू की चिप्स बनाएंगे।